बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना अमीर। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं चने का सत्तू। तो चने का सत्तू बनाने से पहले हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये एक हेल्दी ड्रिंक है और इसको पीते ही एकदम से तवानाई आती है। ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्ट करता है और चनों में जो है आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पाए जाते हैं। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं भुने हुए चने। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, एक प्याली के करीब। और इनको हमने ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लिया था, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गए। ये देखें, अब हम इसको यहाँ रख लेते हैं। इसके अलावा इसमें हमने तकरीबन एक प्याली के करीब गुड़ लिया है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मिर्ची पाउडर है, ये आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। या तो अगर आपके पास मिर्ची पाउडर भी नहीं है और गुड़ भी नहीं है तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको गुड़ के साथ बनाऊँगी। इसके अलावा हमने हाफ लेमन लेके उसका जूस निकाल के रखा हुआ है यहाँ पर, और दो चुटकी हमारे पास काला नमक है। आप चाहें तो पिसा हुआ पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं दो से तीन गिलास के लिए ये जूस बना रही हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे और उसमें तकरीबन दो गिलास पानी डालेंगे, और जो हमने गुड़ लेकर रखा है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे चमचा चला के, ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। गुड़ बहुत अच्छा वाला है इस वक्त हमारे पास। गुड़ के भी अपने बहुत से फ़ायदे हैं। आप चाहें तो इसको आप बच्चों को, बड़ों को, एक साल से बड़ों बच्चों को आप दे सकते हैं दिन में, लेकिन गर्मियाँ हैं आजकल, वैसे ही बच्चे खा पी नहीं रहे। तो आप, ये एक हेल्दी ड्रिंक है, आप बच्चों को बना के। जब तक यहाँ पर गुड़ जो है मेल्ट हो रहा है, तो हम एक छोटा बाउल लेंगे और 4 टेबल स्पून, दो गिलास बनाने के लिए तकरीबन 4 टेबल स्पून जाएगा। इसमें हम चने का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा सादा पानी लेके हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ये इसलिए हम अलग से इसको मिक्स कर रहे हैं कि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। अगर हम ज़्यादा पानी में इकट्ठा डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, इसलिए इसको मिक्स करेंगे। चने का पाउडर मिक्स हो गया इसके अंदर। अब हमने जो यहाँ पर गुड़ का पानी बना कर रखा था, ये उसमें ऐड कर देंगे। काला नमक ऐड कर देंगे, लेमन जूस डाल देंगे, इन सबको मिक्स करेंगे और इस पानी को एक दफ़ा छान लेंगे, ताकि ये जो ऊपर आपका छोटा छोटा, मतलब जो सही से पिसा नहीं है वो आ गया है, या गुड़ जो रह गया होगा, तो ये सब छन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आपको छान के दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमने इसको छान लिया। अब हम इसमें आइस क्यूब ऐड कर देंगे, उसको अच्छे से मिक्स करना है। ज़बरदस्त किस्म का चने का सत्तू हमारा रेडी हो गया है। ये देखें, अब हम इसे सर्विंग गिलास में निकाल लेते हैं। गर्मियों में लू से बचाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखें जी, हमारा शरबत बहुत ही मज़ेदार किस्म का चने का सत्तू रेडी हो गया है। अल्लाह हाफिज़।